आईएएस आईपीएस बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई हो, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे किताबों की जानकारी और कलम के रास्ते होती है। नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जिस तरीके से कल जो है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव, उन्होंने जो है कलम कॉपी को लेकर के बात कही और साथ ही साथ उन्होंने जो सरस्वती माँ को लेकर के फिर से अमर्यादित टिप्पणी की थी, उन्होंने फतेह बहादुर सिंह के बयानों को सही बतलाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो है अभी जो युवा हैं, युवा बच्चे हैं और जो बच्चे हैं उनको कॉपी कलम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी कड़ी में जो है भाजपा के एक प्रतिक्रिया आया था कि उन्होंने जो है सनातन धर्म को टारगेट कर लिया है, ऐसे में सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ये लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले जाने तब माने। मान्य सत्य है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का मान्य सत्य है कि पहले जानो और तब मानो, पहले जानो और तब मानो। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो, हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं जय विज्ञान जय संविधान, जय विज्ञान जय संविधान। लेकिन आज एक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक खबर देखा हूं जिसने हमारे माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव जी को, जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनको चुनौती देते हुए ये कहा गया कि आपको चलना फिरना बंद हो जाएगा आपका। मुझे बहुत आश्चर्य लगा इस तरह की चुनौती देना, और इसलिए उन्होंने चुनौती दिया, उनको कहा कल एक सभा में, महती सभा थी लाखों की भीड़, चंद्रशेखर जी ने कहा कि कलम का रास्ता, कलम के रास्ते देश और दुनिया में प्रगति का रास्ता मिलता है, भाग्य बदलती है कलम के रास्ते से, और मंदिर के रास्ते से आदमी का दिमाग गुलाम होता है। ये भी उन्होंने अपनी बात नहीं कहा, उन्होंने कहा इन बातों को सावित्री बाई फूले के जन्म शताब्दी समारोह में और सावित्री बाई के कही हुई बातों के आधार पर। मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा कलम के रास्ते आदमी का भाग्य बदलता है, पढ़ाई लिखाई से ही भाग्य बदलेगा, पढ़ाई लिखाई से, कलम के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से देश के, दुनिया के शीर्ष स्थान पर आदमी जा सकता है। और यही कारण है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे किताबों की जानकारी और कलम के रास्ते होती है। मंदिर आस्था का चीज है, मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से आस्था का चीज है, आदमी मान लेता है, लेकिन वहां आदमी गुलाम हो जाता है मानसिक तौर से। मंदिर में जाने से
आईएएस आईपीएस केवल नहीं बनेगा। मंदिर में जाने से बीमार आदमी निरोग नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, और हॉस्पिटल और डॉक्टर का निर्माण ज्ञान और पढ़ाई से होती है, इस बात की पुष्टि करता है। तो मैं कुत्सित मानसिकता के जो हैं, जिसने चंद्रशेखर जी को चुनौती दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस दिन और जिस समय चाहे वो बुला लें, चर्चा के लिए बुला लें, वाद विवाद के लिए बुला लें, या जिस तरीके से चुनौती देना चाहते हैं, उनके हरेक चुनौती को चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। अभी अगर भीमराव अंबेडकर अगर शिक्षा को छोड़ करके वो मंदिर और मस्जिद में पड़े रहते तो कहीं ना कहीं वो कई भाषाओं के ज्ञानी नहीं होते। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो आपने सुना कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो फिलहाल उन्होंने चंद्रशेखर प्रसाद यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और उनके बातों को लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा को लेकर के बात कही है वो एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की जरिया है। क्योंकि अभी भाजपा का जो एक एजेंडा चल रहा है कि पहले माने तब जाने, ये नहीं चलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात कही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा पटना, धन्यवाद।